हाय गाइस, सो मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लॉज ऑफ मोशन में आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रिजल्टेंट फोर्स से। ठीक है, सो आज हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के तरीके। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक्स इन वेक्टर, सो उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे जो चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है और जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टस है ना हमारे लिए वो देखेंगे। सो फर्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, ओके, सो इसे ना हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा ना अपना अपने लैंग्वेज में समझिए कि कोई एक चीज जितनी तबाही मचा सकता है ना, मतलब मान लीजिए कोई 10 आदमी है, ठीक है, वो जितनी तबाही मचा रहा है उतना अकेला एक आदमी तबाही मचा सकता है। लाइक अगर मैं एक हम मूवीज देखते हैं उसमें जो थोर होता है, ठीक है, सो थोर जितनी तबाही मचा सकता है क्या उतना एक हम ह्यूमन बींग मचा सकते हैं क्या? नहीं ना, हम बहुत सारे ह्यूमन बींग्स लाइक लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे अकेले और तबाही मचाएंगे तो जाकर के एक अकेले थोर के बराबर हो, थोर कह रहा हूँ, हल्क के बराबर होगा। ठीक है, सो जस्ट कंपेयर द हल्क विद रिजल्टेंट फोर्सेस एंड थाउजेंड ऑफ पीपल और लैक्स ऑफ पीपल कंपेयर दिस पीपल विद फोर्स। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज अ सिस्टम। ओके, सो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। ओके, सो देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सो अगर इफ इन सभी फोर्सेस को अगर हम एड अप कर दें लाइक F1, F2, F3, तो जितना ये फोर्स मिलके काम करेंगे उतना इन सभी फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स काम कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। सो आपको रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ गया कि रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं? तो रिजल्टेंट फोर्सेस इज द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सिंपल। ठीक है, हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत थी मुझे कि रिजल्टेंट फोर्सेस होते क्या है। अब देखिए, मैं उतना डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चीजें आपके बुक्स में ऑलरेडी नोट डाउन है और जिन्होंने नोट्स परचेज किया उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, सो लेट्स सी द मेथड। ओके, सो मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्सेस, सो द फर्स्ट मेथड इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम मेथड ड्राइव तो नहीं करेंगे लेकिन हम जस्ट समझ लेते हैं चीजें सिंपल था, कुछ ज्यादा है नहीं, ये F1 था, ये F2 था, ये साइड पैरेलल F2 के F2 हो गया।
अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये F2 साइन थीटा कहाँ से आ गया, ये F2 कॉस थीटा कहाँ से आ गया। ब्रो अभी जस्ट सबसे पहले हमने वही देखा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स F1 है, ये थीटा है, अगर बेस पे बन रहा है तो ये क्या हो गया, F1 कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, F1 साइन थीटा। सो ये बन गया F1 साइन थीटा, ये बन गया F1। यहाँ पे इसको जस्ट मैंने F2 से रिप्लेस कर देना, तो ये हो गया F2, ये हो गया F2, ठीक है। सो F2 साइन थीटा, F2 कॉस थीटा, ये जो चीज है वो ये हो गया, ये जो चीज है वो वही है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब जस्ट ये देखो, ये पूरी साइड मैंने इंक्लूड करी है, तो ये पूरी साइड किसके बराबर है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा के बराबर है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या, F2 साइन थीटा, और ये जो हमारे पास है वो साइड है रिजल्टेंट की, ठीक है, हाइपोटेनस है, ठीक है। सो रिजल्टेंट, तो यहाँ से हमने पैथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या है वो देखो, तो लिखो कंडीशन नंबर वन, तो हैशटैग कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। सो इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज व्हाट, F1 प्लस F2। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो डायरेक्टली रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, द सम ऑफ फोर्सेस। नाउ एक्सप्लेन इट, इफ फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन लाइक 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो इन फोर्सेस के बीच का एंगल, ये पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है। सो अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्सेस को देखें तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट सिंपली क्या होगा, 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। नोट्स में एक्सप्लेन किया है मैंने, सबसे पहले ही एक्सप्लेन हो रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसके बाद ये देखो, ये मान लो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये 5 न्यूटन हो गया, ये 3 न्यूटन हो गया। तो ध्यान से देखो कि इन दोनों फोर्सेज, ये पैरेलल फोर्सेज है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री। और इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू, माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये आंसर आया 2 न्यूटन। मैंने माना F1 इसे और F2 इसे, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और इसका केस तब होता है, सो दिस इज केस नंबर टू, दिस इज केस नंबर टू, केस नंबर टू। सो व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा केस तब का है जब थीटा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो याद रखना, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, एंड कंडीशन नंबर टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज व्हाट, F1 माइनस F2, ठीक है, F1 इज बिगर फोर्स, F2 इज स्मॉलर फोर्स, ठीक है, याद रहेगा आपको ये दोनों कंडीशन, तो इसे नोट डाउन कर लेना आप। मैं एक बार देख लो, वीडियो को रोक लो, उतार लो, ये हमारा पैराग्राफ था। इसमें कंडीशन नंबर तीसरा भी लिखवा देते हैं, अभी दूर भागने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से। सो कंडीशन नंबर तीसरा क्या कहता है हमारा, कंडीशन नंबर थ्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ओके। सो ये कंडीशन नंबर था हमारा थर्ड। देखो ये जो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 था ना, और एक था R इज इक्वल टू F1 माइनस F2, इट्स फॉर मैक्सिमम कंडीशन एंड इट इज फॉर मिनिमम कंडीशन। तो जब भी तुम्हें मिनिमम की बात की गई तब 180 डिग्री है हमारा थीटा, और जब मैक्सिमम की बात की गई तो हमारा 0 डिग्री है थीटा। बिकॉज इन मैक्सिमम, मैक्सिमम का बात हो गया कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, और मिनिमम की बात की गई तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। सो कॉस 180 डिग्री इज -1 एंड कॉस 0 डिग्री इज +1। सो मैक्सिमम हमारा 1 होता है, मिनिमम -1 होगा, समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, अब आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस खत्म हुआ, ठीक है। अब अगला है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्सेस। सो इट्स सिंपल, लाइक इट इज आवर F1 फोर्सेस, इट इज आवर F2 फोर्सेस, एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। ये बनाना तो आपको आता है ना, नोट्स में मैंने ऑलरेडी बताया था, पहले के हेड से
पहले के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओ और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला। ये हमारा तरीका होता है बनाने का, ठीक है। क्या था? पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिला और रिजल्टेंट के लिए पहले के टेल से और दूसरे के हेड से मिला, ठीक है। नोट्स में लिख दिया मैंने T1 T2 करके, उससे समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला एंगल कोई एक्स डिग्री था इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही तो आएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, आर लिखिए, आर के सामने साइन रूल अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई करना है? साइन रूल। तो आर के सामने वाला एंगल ये हो गया, तो ये हो गया साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए F2 के सामने वाला एंगल है ये, तो साइन अल्फा, और इसके सामने वाला एंगल ये है, तो F1 अपॉन में साइन बीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, R अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन साइन बीटा, ठीक है। अब एक एक करके आप इसके कंपैरिजन में रखिए जाइए, यानी R अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन में साइन बीटा, एक बार लिख दीजिए, R अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है। कंपेयर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। वैसे ट्रायंगल लॉ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पैरेललोग्राम पे ही आते हैं, ठीक है। नाउ टॉपिक इज पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या है हमारा? कुछ नहीं है, अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये F1 एक्ट किया, ये F2 एक्ट किया, ये F3 एक्ट किया, ये कोई F4 एक्ट किया, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले तो इसका चीज समझिए क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, पॉलीगन लॉ फोर्सेस में सभी फोर्सेस, मान लीजिए ये F1 है, इसको क्या करना है, हमें उसके बस हेड से ज्वाइन करते जाना है। ये F2 हो गया, ये हमारा F3 हो गया, ठीक है, ये हमारा F4 हो गया, और जो रिजल्टेंट फोर्सेस होता है ना, उसे सिंपली किसके बराबर होगा, पहले के टेल से और लास्ट वाले के बस हेड से जोड़ दीजिए, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ दी ऑल फोर्सेस लाइक F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F, यानी सभी फोर्सेस के सम के बराबर होता है। ये मायना है हमारा पॉलीगन लॉ फोर्स का। लेकिन अगर हमें समझना है पॉलीगन लॉ फोर्सेस, तो इसे समझिए कुछ इस तरीके से कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे एक्ट कर रहे हैं, लाइक F1 फोर्सेस थीटा 1, ये हमारा कोई फोर्स हो गया F2 फोर्स हो गया जो यहाँ एक्ट कर रहा है थीटा 2 से, ये कोई F3 फोर्सेस हो गया जो एक्ट कर रहा है यहाँ थीटा 3 से, ये कोई फोर्स हो गया बाहर की तरफ निकले हुए हैं, F4 हो गया, ये कोई थीटा 4 हो गया। तो कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट इसके कंपोनेंट रिजोल्व करना है। क्या रिजोल्व करना है? कंपोनेंट किधर? तो समीशन ऑफ FX डायरेक्शन में कर लीजिए और समीशन इन Y डायरेक्शन कर लीजिए। तो कुछ नहीं है, हर किसी के कंपोनेंट रिजोल्व करो। जैसे F1 का कंपोनेंट सिंपली देखो, ये F1 बना हुआ है, थीटा 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, F1 cos थीटा 1, और इधर क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा 2, ये Y डायरेक्शन, ये X डायरेक्शन, ठीक है, सभी को पता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले x डायरेक्शन में फोर्स रिजोल्व करके लिख लीजिए, फिर y डायरेक्शन में। जैसे मैं सभी के कंपोनेंट एक एक करके रिजोल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया F1 cos थीटा 1, इधर हो गया F1 sin थीटा 1, F1 का फोर्स रिजोल्व हो गया। अब देखिए F2 का रिजोल्व कर लेते हैं, F2 में ध्यान से देखें तो थीटा इधर बन रहा है, तो इधर हो जाएगा F2 cos थीटा 2, और इधर हो जाएगा F2 sin थीटा 2, ठीक है। अब F3 का रिजोल्व कर लेते हैं, ऐसे ही F3 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ऐसे ये आपका थीटा 3 हो गया, तो थीटा इस पे बन रहा है, तो बेस ये हो गया, तो ये हो गया F3 cos थीटा 3, और ये हो जाएगा F3
साइन थीटा थ्री, ठीक है मैंने इन तीन के रिजोल्व कर लिए, तीनों से समझ में आ जाएगा, सबके करने जरूरी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, एक्स डायरेक्शन में कौन है, वाई डायरेक्शन में कौन है, एक्स डायरेक्शन में कौन है, वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के लिख लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए ये हमारा हो गया एफ वन कॉस थीटा वन। अब देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, इधर की तरफ, तो इसे पॉजिटिव लिया। अब देखिए एफ टू, ये एक्स एक्सिस पर है लेकिन नेगेटिव में है, तो इधर लिखेंगे एफ टू माइनस में कॉस थीटा टू। अब ध्यान से देखिए एफ थ्री भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो माइनस एफ थ्री कॉस थीटा थ्री। समझ में आ गया। अब एफ एक्स में इसको सॉल्व करके अब वाई में सॉल्व कर लेंगे। वाई में देखिए तो ऊपर की तरफ है एफ वन साइन थीटा वन, इधर देखिए तो ये है प्लस एफ टू साइन थीटा टू। अब इधर देखें तो एफ थ्री जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो माइनस एफ थ्री साइन थीटा थ्री। अब अगर आपको थीटा का एंगल दिया हो, लाइक ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हो, 45 दिया हो, ये 60 हो, ये 90, कुछ भी हो, तो आपको बस थीटा की वैल्यू रखनी है। आपको फोर्स भी दिया होगा कि ये 2 न्यूटन का, ये 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन के फोर्स है। तो फिर आप क्या करोगे, एफ डायरेक्शन में फोर्स रिजोल्व कर लिया, वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको फिर बाद में रिजल्टेंट इस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे एंगल पूछा जाता है, ठीक है अब एंगल पे डिस्कशन कर लेते हैं शुरू से ही। मैंने पैरेललोग्राम में भी एंगल पे डिस्कशन नहीं किया है, उस पर भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। हम देखिए एंगल पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर r इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है और एफ वाई स्क्वायर है, इसका मतलब r के जो कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में एफ वाई हो गया, इस डायरेक्शन में एफ एक्स हो गया। तो टेन थीटा यानी रिजल्टेंट r थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, एफ वाई अपॉन में एफ एक्स, यानी फोर्स जो वाई डायरेक्शन में रिजोल्व किया हमने और जो एक्स डायरेक्शन में। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो उसमें देखिए क्या होता है कि ये हमारा कोई पैरेललोग्राम था, ये हमारा रिजल्टेंट आर होता है। मान लीजिए दोनों, ये हमारा फोर्स एफ वन था, ये फोर्स हमारा एफ टू है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये 90 था, ये एंगल थीटा था, तो ये भी हमारा थीटा, ये एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा जाता है रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है, तो हम सिंपली क्या निकाल लेते हैं, लाइक टेन अल्फा निकाला है ना रिजल्टेंट का एफ वन के साथ। तो जब रिजल्टेंट का एफ वन के साथ निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। जब एफ वन के साथ निकाल रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, ये एफ टू साइन थीटा हो जाएगा और एफ वन प्लस में सेम एफ टू यहाँ लिखिए और यहाँ साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दीजिए। जब हमें टेन बीटा निकालना होगा, क्या बीटा, बीटा मीन्स ये वाला एंगल, ये जो रिजल्टेंट है अब इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा। तो अब एफ टू बेस हो गया, अब एफ टू बेस हो गया तो कुछ नहीं करना है, एफ वन, अब एफ टू की जगह क्या लेगा, एफ वन साइन थीटा और यहाँ एफ वन की जगह एफ टू, फिर एफ टू की जगह एफ वन कॉस थीटा। सिंपल है ना, आप कर लोगे, बस ऐसे याद रखना है, कुछ ज्यादा बेटर है नहीं इसमें। जैसे अब यहीं से समझा देता हूँ मैं आपको, यार देखो ये एफ टू था तो ये भी एफ टू था, ये हमारा एफ टू साइन थीटा हो गया था, ये हमारा एफ टू कॉस थीटा हो गया था। अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे फॉर्मूला किसका, टेन अल्फा का, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एफ टू साइन थीटा, और बेस क्या है, बेस है हमारा एफ वन प्लस में एफ टू कॉस थीटा। सिंपल है यार, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, अब हम देखते हैं लैमिस थ्योरम, क्या देखते हैं, लैमिस थ्योरम। ठीक है, ये देखा तो हमने एंगल ऑफ द रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। लाइक ये एक रस्सी है,
इस रस्सी को इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे, इधर भी 5 न्यूटन, तो ये बॉडी कैसी है, इस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया ये बॉडी किस कंडीशन में है, इक्वेलिब्रियम कंडीशन में है। वहीं इस रस्सी को इधर से हम खींचते 4 न्यूटन से इधर से खींचते 5 न्यूटन, तो 1 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ खींचती, इसका मतलब हो गया ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, इसका मतलब बॉडी अनइक्वेलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, नाउ द कंडीशन ऑफ इक्वेलिब्रियम। कंडीशंस क्या होती है किसी भी बॉडी के इक्वेलिब्रियम के लिए? दे आर हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज जीरो, सम ऑफ मोमेंट एट द फोर एट दैट पॉइंट, ठीक है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट दैट पॉइंट इज जीरो। यानी उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी जीरो होने चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी जीरो होने चाहिए, और उन सभी फोर्सेस के मोमेंट, ठीक है, मोमेंट मोमेंट फॉर मोमेंट, ठीक है, ये कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम, वो क्या होने चाहिए? जीरो। सो ये कंडीशंस होती है हमारी इक्विलिब्रियम की। तो लेमिस थ्योरम हमेशा इक्विलिब्रियम वाली बॉडी पर करते हैं, इस पर एक्ट करती है इक्विलिब्रियम वाली बॉडी। सो व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन वी अप्लाई लेमिस थ्योरम। नाउ व्हाट इज लेमिस थ्योरम? व्हेन कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नाउ कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लैनर कंकरेंट का क्या मतलब है? कोप्लैनर का मतलब होता है एक ही प्लेन, और कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से निकलना। तो मान लीजिए कि हमारा फोर्स हो गया F1, ये फोर्स हो गया हमारा F2, ये फोर्स हो गया हमारा F3, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2, ये एंगल हो गया θ3, ठीक है। सो इट इज अ लेमिस थ्योरम। इन लेमिस थ्योरम F1 अपॉन F1 के सामने वाला एंगल कौन सा है? θ3, तो लिख देंगे F1 अपॉन साइन θ3। फिर ध्यान से देखो F2 इज इक्वल टू F2, F2 के सामने वाला एंगल है θ2, तो हम लिख देंगे साइन θ2। एंड फिर देखिए F3, F3 के सामने वाला एंगल क्या है? θ1, तो साइन θ। दिस इज सिंपल लेमिस थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम बॉडी, ठीक है। इक्विलिब्रियम बॉडी, सॉरी, लेमिस थ्योरम में क्या होता है? व्हेन कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन F1 अपॉन sin θ3 इज इक्वल टू F2 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन sin θ1। सो दिस इज द कंडीशन। बस सिंपली चेक करना है कि फोर्स के सामने वाला एंगल कौन सा है, ठीक है, और sin अप्लाई कर दिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो दिस इज बेसिक लेमिस थ्योरम। अब मैं चेक कर लेता हूं और कोई टॉपिक जो आपका रह गया हो, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है लॉज ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट 2 वीडियोस में खत्म हो गए हैं, अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।